लिए हम बात करें तो रात को जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी उससे आवाम भी शदीद परेशान है। अभी अगर आप हम आवाम से भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं पेट्रोल की और दूसरी जानब बढ़ती हुई बिजली के बिलों की। एक अगर मजदूर जो आम आदमी शहरी है जो इस वक्त 20,000 सैलरी ले रहे हैं वो घर में 10,000 बिल दे, बकाया उसके पीछे बचता क्या है? तो इसी हवाले से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर अली शाह, इनसे हम मजीद जाते हैं आज के इस जो इन्होंने किया इसके बारे में इनका क्या कहना है। बिल्कुल जी शाहब, आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आप टाइम शाहब। बिल्कुल आज हमने यहाँ पे जो है यह जाम हड़ताल की है, हमने धरना दिया है यहाँ पे और बिल्कुल हम यहाँ पे अलमकी जाय करने के बाद हमने रोड खोल दी है। हमने रोड क्यों खोल दी है? कुछ लेडीज़ की गाड़ियों में कुछ वहाँ पे हमारे बीमार लोग थे जो एम्बुलेंस में थे, लेकिन अगर अगले जुमे तक ये उन्होंने टैक्स वापस ना लिया, पेट्रोल की पैसे वापस ना ली जो पेट्रोल में ना दिया है, तो आप देखेंगे कि हम यहाँ पर ऐसा धरना देंगे। हम पहले रूट लगवाएंगे छोटी गाड़ियों का, उसके बाद हम यहाँ पे ऐसा धरना देंगे कि इनकी चीखें निकल जाएंगी और ना कभी ऐसा धरना जैसा कि आपने देखा होगा और ना सुना होगा। क्यों? क्योंकि आवाम पिस के रह चुकी है। क्यों? क्योंकि आवाम के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि आवाम खुदकुशियाँ कर रही है। क्यों? क्योंकि आवाम बिल्कुल जमीन के साथ लग गई है। मेरे भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों, जागो। आज ही जागोगे तो कल भुगतोगे। आज टाइम है अशराफिया की बदमाशी के खिलाफ खड़े हो जाओ। तुम बिल देते हो इनकी गाड़ी चलती हैं, तुम बिल देते हो इनके घर में एसी चलते हैं। हम बिल नहीं देंगे जावर भाई, जब तक ये टैक्स ख़त्म नहीं करते, जब तक ये टैरिफ वापस नहीं लेते, जब तक ये पेट्रोल सस्ता नहीं करते, हम बिल जमा नहीं करवाएंगे। और मैं देखता हूँ ये किसका मीटर उतारते हैं। और मैं खुशखबरी सुनाता हूँ आपको कि आप देखेंगे ये बिजली भी सस्ती होगी, ये पेट्रोल भी सस्ता होगा। बस आवाम ने दो महीने आवाम ने बिल जमा नहीं करवाना। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये अशराफिया भूखी मरेगी, कुटनों के पास गल आके आपसे माफ़ी मांगेगी, हाथ गिड़गिड़ाएगी और कहेगी खुदा रहा बिल जमा करवाओ, हमारे एसी बंद हो गए हैं, बिल जमा करवाओ, गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है। इनकी गाड़ियों में पेट्रोल हम डलवाते हैं, हम से मुराद 24 करोड़ पाकिस्तानी आम आदमी मिडिल क्लास। इनके घरों में जो एसी चलते हैं उनमें हमारा खून शामिल होता है, उनमें हमारे खून पसीने की कमाई शामिल होती है। लेकिन ये जो अशराफिया के नुमाइंदे हैं, जो खान ग्रुप है, कोस्तान ग्रुप है, वो किधर है? वो आवाम से 50-40 हज़ार वोट लेते हैं, वो किधर हैं? आवाम को उनसे पूछना चाहिए और मुझे यकीन है कि इस बार आवाम उनसे लाजमी पूछेगी इंशाल्लाह। और दूसरी जानब जो अभी ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, जबकि HMC रोड से लेके और 5 नंबर गेट तक किसी पंप पे पेट्रोल नहीं दिया जा रहा, हालांकि मौजूद है नाजरीन, लेकिन किसी भी आवाम को नहीं दिया जा रहा। मैं इंशाल्लाह वहाँ पंप पे भी कवरेज करूँगा और आप देख सकते हैं वीडियो के साथ, ये वीडियो भी चल रही है पंप पे किस तरह आवाम जलील हो रही है। अभी एक फैमिली से भी मैंने मुलाकात की है, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, वो कह रहे हैं आधे घंटे से हम जलील हो रहे हैं जबकि पंप वाले बदमाशी चला रहे हैं और पेट्रोल नहीं दे रहे। और इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जाफर भाई, बिल्कुल आप ठीक।